हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं अगेन वापस आई हूँ एक न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ। सो गाइस, आज जो हम लुक करने वाले हैं वो बहुत ही ग्लैमरस हेलो कट क्रीज पे एक लुक है। एंड हमारे आज के जो मेकअप आर्टिस्ट है वो है हिमांशु। ये हमारे स्टूडियो के ही एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। तो आज उन्हीं की वीडियो में आपको एक मेकअप ट्यूटोरियल हम देने जा रहे हैं, एंड आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर यूजिंग क्यूटी ब्यूटी का मेकअप प्राइमर, जो कि हम ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हैं मॉडल के फेस पे। आप कोई भी ब्रश अप्लाई कर सकते हैं एंड आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। तो राइट नाउ अभी मैं एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये मैक का फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है। तो ऑल ओवर हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। देन इसके बाद हम एक मेकअप प्राइमर ले रहे हैं अगेन, जो कि एक रेडियंस प्राइमर है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा शाइन आ रहा है, तो इसको हम ऑल ओवर हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट शाइन जो है वो हमारे मेकअप पे बनी रहे। तो ये लॉरा मर्सियर का रेडियंस प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। अगर किसी की ड्राई स्किन पे आपको अप्लाई करना हो तो आप ये प्राइमर ऑलवेज यूज़ कर सकते हैं। देन हम यूज़ कर रहे हैं क्यूटी ब्यूटी की कंसीलिंग पैलेट, एंड उसमें से हमने 2 शेड्स पिक किए हैं, ऑरेंज एंड स्किन डार्क स्किन टोन। एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो रियल टेक्निक का कंसीलर ब्रश है। तो अच्छे से हम उसको आईज पे स्प्रेड कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, पिम्पल्स दिख रहे हैं, वहाँ पे भी हम इसको कवर कर रहे हैं। तो गाइज, आज का ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में रखा हुआ है, बट प्रोडक्ट मैं आपको सारे बता रही हूँ इस वीडियो में। गाइज, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे न्यू चैनल की, न्यू वीडियोज़ की। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं वॉर्म हनी कंसीलर। ये एले गर्ल का कंसीलर है जो कि थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो हमने हर जगह इसको अप्लाई किया जहाँ पे हमने ऑरेंज यूज़ किया है, एंड उसको हमने ब्रश एंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दिया है। देन हम बहुत ही अच्छा ब्रांड यूज़ करने वाले हैं, जो है टिलबरी। शार्लेट टिलबरी एक बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड है, जिसकी फाउंडेशंस बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो अभी हमने इसका जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो एयरब्रश फ्लॉलेस फिनिश फाउंडेशन है। तो ब्रांड जो यूज़ कर रहे हैं वो है शार्लेट टिलबरी, एंड बहुत ही अच्छा फिनिश होता है गाइज इस फाउंडेशन का। तो अगर आपको ब्राइट पे यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कवरेज वाइज भी ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है। देन हमने जो फाउंडेशन है उसको ब्रश के साथ अप्लाई किया था, एंड थोड़ा सा हमने इसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया है। और अभी हम थोड़ा सा थिक कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे एक फ्लैट ब्रश के साथ। जो हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं वो केविन एक्वाइन का कंसीलर है। ये काफ़ी थिक कंसीलर है गाइज, अगर आपको लगता है किसी की कवरेज बिल्कुल नहीं होती है तो आप उस पर ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें हमने लिटिल बिट थोड़ा सा और कंसीलर टू फेस्ड का यूज़ किया है। देन आफ्टर यूज़ हमने उसको ब्लेंड किया है विद द ब्लेंडर, और ऑल ओवर फेस उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड 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 ऑल ओवर हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी ब्लेंड कर सकते हो। हमने जो ब्लेंडर यूज़ किया है वो फॉरएवर 52 का है। इसका ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छे से मर्ज करता है। देन एक न्यू पार्ट, हमने एक लिप कलर यूज़ किया है एज अ ब्लश। तो ये जो ब्लश है वो रिकोड का है, एंड जो कलर है वो है मंडे। बहुत ही सुंदर कलर है गाइज, अगर आप लगता है किसी को बहुत ज़्यादा पाउडरी लुक नहीं देना है तो आप ऐसे ही लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लश। एंड सेम पैलेट जो हमने पहले कंसील के लिए यूज़ की थी वो हम कंटोर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम बहुत ही सॉफ्ट कंटोर कर रहे हैं फ्लफी से ब्रश के साथ। जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रो आर्ट का फ्लफी ब्रश है। तो ऑल ओवर हम उसको फेस की बाउंड्री पे ब्लेंड कर रहे हैं। आप लिक्विड कंटोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट राइट नाउ हम एक क्रीमी कंटोर यूज़ कर रहे हैं। और नोज़ के लिए हमने एक लिक्विड कंटोर ही यूज़ किया है। देखो, नोज़ थोड़ा सा ब्रॉड था, अभी ये थोड़ा सा शार्प दिखना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज नोज़ को हम कंटोर कर रहे हैं।
तो हमने ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर दिया है एंड इसको ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना नोज शार्प लग रहा है। अब बिना पाउडर किए हमने एक पाउडर हाईलाइट किया है सो दैट जो हाईलाइटर है वो अच्छे से अपनी जगह पे बना रहे। एंड ये फॉरएवर 52 का पाउडर हाईलाइटर है एंड बहुत छोटे से फैन ब्रश के साथ हम इसको अप्लाई कर रहे हैं सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे। इसका ग्लो गाइस अल्टीमेट है, अल्टीमेट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, तो आई ऑलवेज लव टू यूज़ दिस हाईलाइटर। आप देख सकते हैं कितना शार्प ग्लो इफेक्ट है इसका, वाओ। सो इट्स अ सेटिंग टाइम, तो हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का सेट करने के लिए। तो ब्लेंडर के साथ ही हम सेट कर रहे हैं। आप कोई भी ब्रश भी ले सकते हैं सेट करने के लिए एंड थोड़ा सा कॉन्टोर को थोड़ा शार्पन रखने के लिए हम एनेस्थेसिया का सैडल शेड यूज़ कर रहे हैं। देन शोपेरल की पैलेट लेके हमने थोड़ा सा ग्लो और इंटेंस कर दिया है। शोपेरल की हम पैलेट यूज़ कर रहे हैं, वाओ। तो अब हम एक काजल पेंसिल फिल कर रहे हैं, ये रिकोड की काजल पेंसिल है एंड इसको हम स्मज कर रहे हैं एक पेंसिल ब्रश के साथ। देन इसको हम पेंसिल ब्रश के साथ बहुत अच्छे से स्मज कर रहे हैं। उनकी आईज में लग गया, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करके आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। रिकोड की काजल पेंसिल गाइस बहुत अच्छी है अगर आपको इंटेंस इफेक्ट चाहिए एंड आपको वाटरप्रूफ इफेक्ट चाहिए, तो ये स्टे भी बहुत अच्छा करती है, तो आई ऑलवेज लव टू यूज़। मैं ब्राइड्स पर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा हमने पाउडर नीचे रख लिया बिकॉज अभी तक हमने आई मेकअप नहीं किया है। आई मेकअप की बहुत सारी शेडोज फॉल होती है नीचे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पाउडर रख लिया है। तो इसको हम अच्छे से स्मज कर रहे हैं एंड पेंसिल ब्रश ही हम यूज़ कर रहे हैं स्मजिंग करने के लिए। गाइज ये जो ट्यूटोरियल है ये प्रॉपर डिटेल्ड है, इसमें कुछ भी कट शॉर्ट नहीं हुआ है, बट हमने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है बिकॉज बहुत ही बोरिंग हो जाता है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से कट शॉर्ट बिल्कुल नहीं किया है बट हमने इसको डिटेल्ड रखा है बिकॉज मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम आप प्लीज़ एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल दें। तो वी हैव दिस डिटेल्ड ट्यूटोरियल फॉर यू। हमने नीचे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए शैडो को स्मज किया है। आप देख सकते हैं कितना नीट लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस आई रियली होप कि मेरे ट्यूटोरियल आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी कीजिए। आप लुक भी रिक्रिएट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे टैग भी कर सकते हैं। इंस्टा का पेज हमारा साक्षी गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट से है एंड फेसबुक का भी हमारा पेज साक्षी गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट है। आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, हमारी बहुत डिटेल्स आती रहती हैं, हमारी मास्टर क्लासेस भी आती रहती हैं, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर का आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमने थोड़ा सा कंसीलर, कोई भी ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा कंसीलर लिया एंड हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। हम एक अच्छा सा फ्लैट सरफेस दे रहे हैं आईज पे सो दैट जो कलर्स हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करें। तो जो हमारा आई मेकअप है ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बिकॉज हमने बेस भी पहले किया है। जब हम बेस पहले कर लेते हैं तब आई मेकअप हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है समटाइम्स। तो हमने एक वेरी लाइट वेट सा हमने ब्रश उठाया है जो कि बहुत बड़ा नहीं है एंड उससे हम लाइट पिंक से ही शेडोज लगा रहे हैं ऑल ओवर ट्रांजिशन पे एंड ब्रश जो हम रोटेट कर रहे हैं ट्रांजिशन पे
यही सेम स्टेप हम नेक्स्ट आई पे भी फॉलो करने वाले हैं गाइस, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। सेम स्टेप हम दूसरी आईज पे फॉलो कर रहे हैं, वही सेम शेडो हम ओवर ऑल आई पे स्प्रेड कर रहे हैं ट्रांजिशन एरिया पे। गाइज आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लेंडिंग नहीं होती है तो आई मेकअप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगता है, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा आई मेकअप कर लो। देन हमने थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लिया है, थोड़ा सा डार्क कलर लेके हम बैक पे स्मज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दो हमने मॉव से मेहरून से कलर्स मिक्स करके हमने बैक पे बेस दिया है। उसको अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर आई। देन सेकेंड आईज पे भी हम सेम करने वाले हैं। कलर को और इंटेंस करने के लिए आप बार बार कलर पुट ऑन कर सकते हैं एंड देन ब्लेंड कर सकते हैं। जब आपको बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो आपको एक खाली ब्रश के साथ ब्लेंड करना है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। जब थोड़ा सा शैडो गिरे तो आप उसको डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं। देन हमें थोड़ा सा डार्कर कलर इनर एंड आउटर कॉर्नर में रखना स्टार्ट किया है एंड इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। जो ब्रश हम सबसे पहले यूज़ किया था वही हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है। गाइस सिर्फ वीडियो में ध्यान से देखना कि कौन से पार्ट पे कितना कलर हम रख रहे हैं, सो दैट आप भी जब करें तो आपका भी सेम रिजल्ट आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अभी हमने कंसीलर लिया थोड़ा सा एंड हम थोड़ा सा कट बना रहे हैं कि हम हेलो कट क्रीज आइज कर रहे हैं। हेलो हमेशा सेंटर से लाइट होता है, बट हम इसे कट फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें कंसीलर के साथ थोड़े से एरिया पे कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं एंड बहुत ही सुंदर आई मेकअप निकलने वाला है गाइस। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो आपको ऑलवेज वेट करना है, पेशेंट रहना है, जल्दबाजी में करेंगे तो कट खराब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एक वाईफाई की साइन की तरह हमने कट को बनाया है, ऐसे ही आपने भी बनाना है। एंड आईज जो है वो क्लाइंट की बिल्कुल भी ओपन नहीं होनी चाहिए, अगर वो ओपन हो जाएंगी तो कट क्रीज टोटली स्पॉइल हो जाएगा। तो हमने इसको स्पॉइल नहीं करना है, हमने इसको बहुत सुंदर दिखाना है, तो सुंदर दिखाने के लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। तो हमने इसको बहुत नीट सा कट बना के हम इसको बाद में स्मज करेंगे एंड बहुत ही लाइटर शैडो हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। तो सेम हम दूसरी आईज पे भी करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए।
तो गाइस इसको हमने थोड़ा सेम रखना है। सेम रखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। पीछे होके आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे थोड़ा ख़राब जा रहा है और कहाँ पे सही है। तो उसको पीछे देख के ही आपको समझ आएगा कि कहाँ से सही करने वाला है। तो वही हम सही कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं इसको हम थोड़े पेंसिल ब्रश के साथ स्मज कर रहे हैं। पेंसिल कम थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है ये। इसको प्रॉपरली हम इवन करने के लिए हम स्मज कर रहे हैं। स्मजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अदरवाइज आई मेकअप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगता है। एंड हमने एक सिंगल शेडो ले लिया है एंड ये शेडो का नेम है नायलॉन। नायलॉन जो है ये मैक का सिंगल शेडो रहता है जो कि बहुत ही शिमरी सा शेडो है। ऐसे ही आप कोई भी सिंगल शैडो ले सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपका रेगुलर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा नायलॉन काफ़ी अच्छा यूज़ होता है बिकॉज़ ये एज अ हाइलाइटर भी हम इसको अप्लाई कर लेते हैं एंड इसको एज अ शैडो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो राइट नाउ हम इसको एज अ शैडो अप्लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ द आईज पे। हिमांशु के जो हेयर हैं वो कुछ ज़्यादा ही वीडियो में आगे आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट तो हमें सब कुछ दिख ही रहा है। तो अभी हम एक शैडो ले रहे हैं, ये ब्लैकआउट शैडो है फ्रॉम अर्बन डिके। ये सिंगल शैडो है, ऐसे का शैडो आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं जिसमें सिंगल शैडोज अवेलेबल हैं। तो हम इसको स्मज कर रहे हैं आईज़ के कॉर्नर्स पे, अंदर एंड बाहर। ऐसे ही हम सेम साइड दूसरी आईज़ पे भी कर रहे हैं। अभी बहुत सारी ब्लेंडिंग रिक्वायर्ड है गाइस, मॉडल थोड़ी थक चुकी है। तभी मैंने एक और ब्रश लिया एंड थोड़ा सा लाइटर शेडो लिया जो हमने क्रीज पे अप्लाई किया था, तो वही हम थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग जो है वो वाईफाई की साइन में ही हम ब्लेंड कर रहे हैं। अब हम दूसरी साइड पे अप्लाई एंड ब्लेंड कर रहे हैं। ऐसी ब्लेंडिंग हमें दूसरी आईज पे भी करनी है। अब देख सकते हैं कि आई मेकअप कितना ग्लैमरस लगना स्टार्ट हो गया है। ब्लेंडिंग को स्मूथ दिखाने के लिए सबसे डार्कर एंड सबसे लाइटर कलर में हम ब्लेंड कर रहे हैं। तो जो कलर हम ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा मीडियम शेड कलर है जो कि है मैरून। तो अभी हम थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं आईलिड पे। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ग्लू अप्लाई किया है। जो ग्लू हमने अप्लाई किया है वो LIT कॉस्मेटिक से है।
एंड जो हम अभी ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं वो भी LIT कॉस्मेटिक से है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है गाइस ग्लिटर का एंड ग्लिटर ग्लू का। तो अभी फ्लैट ब्रश के साथ ही हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर लिड पे। एंड जो ग्लिटर हम यूज़ कर रहे हैं इसका नेम है बार्बी। आप देख सकते हैं इसे इतना सुंदर शाइन आ रहा है। देन दूसरी साइड भी हम सेम ही कर रहे हैं। ग्लिटर ग्लू पहले अप्लाई करके हम देन ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं। देन इसके बाद लाइनर, आईब्रोज, लैशेस एंड लिप कलर के बाद हमारा आई मेकअप भी फिनिश हो जाएगा। तो अभी जो नीचे हमने पाउडर रखा था उसको हम डस्ट ऑफ कर रहे हैं एक फ्लफी ब्रश के साथ। तो अभी हम लाइनर लगा रहे हैं एक लाइनर ब्रश के साथ। आप कोई भी लाइनर यूज कर सकते हैं। एंड काफ़ी मीडियम सा हम लाइनर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला लाइनर नहीं लगा रहे हैं। और जो ब्रश है वो हमारा प्रो आर्ट का ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्रश है। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रश बहुत मोटा हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छा ब्रश है। तो हमने जेल लाइनर जो है उसको हैंड पे रख लिया है। आप क्यूटी ब्यूटी का लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लॉट का लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों लाइनर्स का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। देन हमने एक लिक्विड लाइनर लिया है शुगर कंपनी का एंड बहुत स्मूथली हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। आप कोई भी लाइनर ले सकते हैं, आप मेबलिन भी ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे ब्रांड का भी ले सकते हैं जैसे कि आप मेकअप फॉरएवर का भी ले सकते हैं। तो नीटनेस के लिए आप एक लिक्विड लाइनर जब लगाएंगे तो लाइनर बहुत ही नीट अप्लाई होगा। देन हम एक ब्रो टिंट अप्लाई कर रहे हैं, ये NYX का ब्रो टिंट है, बहुत ही अच्छा शेड है जब आप इसको ब्रोज में अप्लाई करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं कर देता है, ये जस्ट आईब्रोज को कलर करने में हेल्प करता है। हमने एक हाइलाइटर अप्लाई किया है आईब्रोज पे पेंसिल ब्रश के साथ। आप कोई भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं एंड उसको थोड़ा ब्लेंडेड इफेक्ट देने के लिए हमने एक ब्रश के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। देन हमने काजल को अगेन इंटेंस करने का सोचा एंड हमने रिकोट की काजल पेंसिल अभी यूज की है। एंड अगेन हम ब्लैकआउट शेड यूज़ कर रहे हैं, ये अर्बन डिके का सिंगल शेडो है जिसके साथ हम स्मज कर रहे हैं। सो गाइस इट्स मस्कारा टाइम। मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक आई मेकअप का एंड आईलैशेस को ये हेल्दी दिखाने में एंड थोड़ा वॉल्यूम दिखाने में हेल्प करती है।
तो अभी इसके बाद हम लैशेज एंड आईब्रोज करने वाले हैं। तो आईब्रोज हम सबसे पहले कर रहे हैं, आईब्रोज हम एक जेल के साथ बना रहे हैं। जो जेल हम यूज़ कर रहे हैं वो एनएस ताजिया की पो मेड है, एक जेल है जिसका कलर है डार्क ब्राउन। तो आप देख सकते हैं कि आईब्रोज काफ़ी थिन है, तो हम उसको थोड़ा सा थिकर करेंगे, थोड़ा सा अच्छी शेप में लाएंगे। दोनों आईब्रोज में आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक कितनी सुंदर दिखनी स्टार्ट हो गई है और एक बहुत ही ज़्यादा थिन दिख रही है। तो गाइज, दिस इज़ द पावर ऑफ आईब्रोज। एंड आईब्रोज को आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, अदरवाइज काफ़ी हॉरर इफेक्ट आएगा। आप उसको डार्क ब्राउन रख सकते हैं, आपको एकदम ब्लैक नहीं करनी है। तो एनेस्थेसिया का जो डार्क ब्राउन शेड है पोमेड का, वो बहुत ही अच्छा शेड है। देन हमने लैशेज अप्लाई कर दिए हैं आईज पे। आफ्टर दैट हम दूसरी आईब्रोज बना रहे हैं सेम स्टाइल के साथ। गाइज, आप देख सकते हैं कि आईब्रोज कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं जो एक आईब्रोज है वो कितनी थिन है और एक हम थोड़ी थिक बना रहे हैं, सो दैट आईज की शेप अच्छी लगे। तो इसके लिए हम ब्रो जेल यूज़ किया है हमने। एंड आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग लैशेज। आप कोई भी मिंक आई लैशेज अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रो जेल हमने यूज़ किया है वो एनेस्थेसिया की ब्रो जेल है, पोमेड, जिसका शेड है डार्क ब्राउन। और जो लैशेज हम यूज़ कर रहे हैं ये मिंक आई लैशेज है। देन आफ्टर दैट वी आर यूजिंग अ लिप पेंसिल जो कि कलर पार से है एंड इसका शेड है डार्क ब्राउन, सॉरी चॉकलेट ब्राउन शेड है इसका। एंड ये लिप्स से आउटलाइनिंग कर रहे हैं। आउटलाइनिंग के लिए मैं थोड़ा सा डार्कर शेड लिप लाइनिंग यूज़ करती हूँ, सो दैट लिप्स थोड़े पाउटी लगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लिप्स की अभी शेप कर रहे हैं। देन लिप शेप करने के बाद हम थोड़ा सा लिप कलर फिल करेंगे, तो लिप्स को काफ़ी टाइम लग जाता है गाइज। देन आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग अ संडे शेड फ्रॉम रिकोड। ये एक लिप कलर है बहुत सुंदर जो कि न्यूड कलर में है, एंड हम इसको प्लेट में डाल लेते हैं सो दैट डायरेक्टली हम इसको अप्लाई ना करें। तो ब्रश जो हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम स्मैश बॉक्स। स्मैश बॉक्स का हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देन अच्छे से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट इस पर हम थोड़ा सा ग्लॉस भी अप्लाई करेंगे, लिटिल बिट ग्लॉस भी हम इसके ऊपर देंगे सो दैट फेस जो है वो थोड़ा ग्लॉसी दिखे। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज एवरी टाइम, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।